हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। गाइस, शाम के 4:22 हो चुके हैं। अभी हम जस्ट बोकारो थर्मल यानी बोकारो को रोड पे निकल चुके हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं, अभी बारिश हुआ है जस्ट, और देखिए बारिश के बाद का नज़ारा। ये पंचायत सी भवन का गेट है, अंदर पंचायत भवन हुआ, और ये रोड चल जाती है हॉस्पिटल एंड कठारा। हॉस्पिटल और कठारा चल जाती है, और घूमियों में सारा रूट चल जाती है। चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए रोड पे गड्ढा, देखिए कितना हो गया इस रोड पे। मेन बार जब से डंपर उम्पर चालू हुआ तब से गड्ढा हो गया। चलिए काफ़ी हिडन प्लेस पे चलते हैं अभी आज हम, और आपको घुमाते हैं वहाँ का। तो ये देखिए, ये जो सब सर में घूमते रहते बाबा लोग, दवाई बेचते रहते हो जस्ट वही। चलिए, और ये हाई स्कूल का ग्राउंड का हिडन रास्ता। ये रोड का स्थिति देख सर, किस तरह का रोड हो चुका है यहाँ पे। अब प्लांट भी इधर से सभी लोग जाता है, तो इस रोड काफ़ी बिजी होने लगा ये रोड, क्योंकि पहले था प्लांट का गेट रेलवे गेट के पास से स्टेशन के पास था, थोड़ा दूर हो गया है, तो यही रोड से सभी लोग प्लांट भी जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ब्लॉग। गाइस यही हाई स्कूल हो गया, DVC प्लस टू हाई स्कूल। ये रहा उसका गेट एंट्री करने का। इधर सारा लेबर क्वार्टर है, और ये देखिए हाई स्कूल का कुछ इस तरह का आगे का नज़ारा है। और यहाँ भी देखिए रोड में कितना गड्ढा हो गया है, जब से डंपर उम्पर चालू होना हुआ लोड गाड़ी तब से इस तरह की स्थिति हो गई। नहीं तो इस रोड पर बड़ा गाड़ी कभी नहीं चलता था, लेकिन शॉर्टकट होने के नाते से उन लोगों को शॉर्टकट पड़ता तो यही रूट से जाता। तो देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। यही वो रोड है जो इनकम्प्लीट अभी भी है, और ये डिग्री कॉलेज रहा। और इधर देखिए ये हॉस्पिटल कठारा चल जाती है, और इधर जिधर से मारे मार्केट तरफ से। अब ये रोड चालू नहीं है क्योंकि कम्प्लीट नहीं है। तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस इधर तो डिग्री कॉलेज आप देख ही पा रहे हैं, जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा डिग्री कॉलेज काफ़ी छोटा सा कॉलेज है। और चलते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। रोड लाइट और सब कुछ लगा दिया, बट अभी रोड नहीं चालू, तो लाइट को भी नहीं चालू किया गया। और ये इसका बाउंड्री है कॉलेज का। चलिए, इसको ईटा से पूरा घेर दिया गया था, लेकिन सब लोग तोड़ तार कर रास्ता बना ही दिया इधर दोनों साइड से, क्योंकि 4 लेन रोड है ना। और ये देखिए इधर पुराना बिल्डिंग GMT का है, दिखाते आपको ऊपर से। ये देखिए पहले इधर रास्ता था नीचे साल इंजन का, एक क्वार्टर भी तोड़ा गया इस रोड के चलते, लेकिन रोड अभी तक चालू नहीं हुआ। 5 साल से ऊपर हो चुका है, बट रोड अभी तक चालू नहीं किया गया है। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, इस रोड पे लोगों को पैदल चलने के लिए भी बनाया गया है, यानी लोग अगर पैदल जाएंगे तो देखिए पैदल जाने वाले का ये रास्ता भी चालू नहीं, तो गंदा है यही बहुत। उस साइड भी दिया गया है, इस साइड भी, दोनों साइड से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है। अभी देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। इधर देखिए पावर प्लांट, इधर सब भी मारे हैं, और ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू अभी आ रहा है। देखिए गाइस इधर भी कुछ HMT क्वार्टर ये सब है। इधर देखिए, वो देखिए दूर में पहाड़ छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़ारा आता है, उधर भी जंगल। चलिए चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। भाई साहब वो देखिए, वो दोनों रोड को अभी तक जोड़ा नहीं गया, क्यों नहीं जोड़ा गया, चलिए सामने ही जाके आप ये आपको दिखाते हैं। और इधर का नज़ारा आप देखते जाइए एक बार, किस तरह का नज़ारा है। नीचे नाला, वो जो पाइप देख रहे छोटा, वो S का पाइप है, S जा करके कहीं और DVC गिराता है इसको। पैदल चलने वालों रास्ता, देखिए पेड़ किस तरह से आके रास्ता रोक रहा है,
इधर नीचे देखे छोटा छोटा सब घर बनाया हुआ है एल्वेस्टर देख करके। देखिए इधर इधर भी बहुत सारे लोग घर बना लिए हैं, काफ़ी अच्छा कलिंग घर बना लिया इधर। पहले घर उर इतना इधर नहीं बनाया था। इधर थर्मल पावर प्लांट का नज़ारा देखिए। चलिए चलते हैं, एंड पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए इधर टू लेन हो गया, इधर उधर भी टू लेन हो गया, और दोनों के बीच में देखिए किस तरह का गैपिंग दिया हुआ। अरे मैं मोबाइल भी गिर सकता है ऐसा। तो गाइस इधर का कुछ व्यू देखिए, इधर का हम पहाड़ रेलवे लाइन गया हुआ। चलिए आपको इधर दिखाई देते हैं। रोड अभी तक कंप्लीट नहीं, ये रोड बन जाने से हम लोग कटारा घूमिया जाना है काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भी नीचे रेलवे कभी भी ट्रेन आता तो आधा घंटा एक घंटा तक रोड पूरा जाम हो जाता है, और क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है इस रोड को जल्दी चालू करना। हालांकि पाया बन चुका उस साइड से रेलवे के उस साइड, बट इस साइड अभी नहीं बना हुआ है। तो इस वीडियो को कृपया करके आप लोग वायरल करें, ताकि जो सिस्टम के जो रेलवे मंत्री है, रेलवे के जो भी डिविजनल ऑफिसर हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाई जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए ये रोड अभी भी यहाँ तक छोड़ दिया गया है, उधर भी छोड़ दिया गया है, बीच में दो पाया बना दिया गया है। इधर से देखिए कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल नज़ारा है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। इधर थर्मल पावर प्लांट, एशिया का थर्मल पावर प्लांट, शायद यहाँ से नहीं दिख रहा अभी का चार्ज बोझ। मैंने इतना बड़ा बड़ा प्लांट बन गया ना, काफ़ी नीचे दब गया, मतलब उसका दिख भी नहीं रहा है। यहीं से ये चल जाता है स्टेशन बोकारो थर्मल, ये पटरी देख पा रहे हैं, कितना शानदार व्यू आ रहा है अभी। ये देखिए भाई साहब, ये चल जाएगी ये रेलवे लाइन आपको जरंगडी, जरंगडी होते हुए फुसरो होते हुए घूमिया, पहले घूमिया आएगा फिर फुसरो, भंडारी दा चंदपुरा, फिर चंदपुरा से आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेन बदल सकते हैं, और गोमो से भी बदल सकते हैं, बट चंदपुरा से भी बहुत सारी ट्रेन मिल जाती है। और ये देखिए भाई साहब कितना ये है, उस साइड बन गया, बट इस साइड देखिए मिट्टी, इस साइड रेलवे को डर है कि मैं नीचे से मिट्टी ना हो खसक जाए, इसीलिए उसको दिया गया, इसीलिए लेट लग रहा है इधर ब्रिज बनाने में। और देखिए भाई साहब ये बियर का बोतल देखिए इसमें घुसा दिया। जब तक रोड चालू नहीं होगा तब तक कुछ असम जितना भी लोग हैं यहाँ पे नशा दारू पानी सब कुछ करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चले कि जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाना है, क्योंकि 4-5 साल हो चुका है, उधर से बन गया इधर से बन गया है, बट दोनों तरफ से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये देख पा रहे हैं अभी वो जो गाड़ी देख रहे जा रहा है, जूम करते हैं अभी आपको, जो गाड़ी जा रहा है वहीं से भी रास्ता है जाने का। तो रेलवे आएगा तो क्या होता है, गेट बंद हो जाता है आधा घंटा एक घंटा, क्योंकि मालगाड़ी इस रूट से बहुत जाती है। अब मालगाड़ी धीरे धीरे चलती है तो उसमें एक घंटा भी लग जाता है, सोचिए। अब प्लांट के अंदर जो मालगाड़ी जाती है उसके लिए भी एक घंटा लग जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर कोयला जाती है ना, प्लांट का अलग लाइन है, वो जो लाइन देख रहे प्लांट का। तो गाइज अभी आप देख लिए पीछे का नज़ारा, यही है रोड है जो इनकम्प्लीट अभी तक है, इधर और वो, ये दोनों अभी तक जुड़े, रेलवे के कारण ही नहीं जुड़ पा रहा है। तो चलिए यही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो पहुंच सके सिस्टम, रेलवे मिनिस्टर हो गया, यहाँ के डिवीजनल ऑफिस DRM यानी धनबाद पड़ता है। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग था, और ये पूर्व मध्य रेलवे में आता है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, वीडियो लाइक, अगर ये ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो टाटा बाबा पीछे पावर प्लांट दिख रहे हैं, चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, जब तक रोड नहीं चालू था तो लोग इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। इधर देखिए, चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय टाटा।